हुई थी ना थ्रू आउट, बिल्कुल जैसे एक फूल मुरझा जाता है ना कि कुछ हैड नो लाइफ, बट विद द चाइल्ड अराइविंग शी सडनली कमिंग इनटू हर ओन. फिर सुंबुल का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अ वेरी मीक यू नो डरी हुई कैरेक्टर टू सडनली अ शेरनी जो अंदर वॉक करके आती है और जाती है, और वही मुसद्दिक ने वही स्टाइल इस्तेमाल किया जब नूर जहाँ हस्पताल जाती है, जब ये इख्तियार शाह पैदा होता है, वही एक प्रेडेटर टाइप फीलिंग कि द कैमरा फॉलोज यू राइट. सो यहाँ पे भी जब सुंबल आती और कहती है, फिर कार्ड देती है, और आई मीन इट वाज लवली. सो ऑल द शॉट्स आर लवली, बट द कैरेक्टर्स आर इवॉल्विंग नाउ, दे हैव चेंज्ड एंड वेरी सटली दे हैव चेंज्ड, नॉट देयर इज नो लाइक झटका. तो अब देखते हैं आगे क्या होता है. एक बेटा निकल गया है. मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी सीन में जब वो शूट, जब कुबरा को जब गोली लगती है, थोड़ा सा मुझे वो सीक्वेंस थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा लगा. बट वील टॉक अबाउट दैट व्हेन वी कम टू द डायरेक्शन पार्ट ऑफ इट. ओवरऑल वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स, गुड फ्रीज फ्रेम्स, गुड एंगल्स, इंगेजिंग स्टोरी. इनफैक्ट इतनी इंगेजिंग होगी कि अब कहते हैं कि आई बिलीव दो एपिसोड रह गए एक हफ्ते का. मैंने कहा अब आगे क्या देखेंगे, खत्म हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम वेरी, बिकॉज वी लुक फॉरवर्ड टू नूर जहां राइट. सो या गुड जॉब. तो थम्स अप. वो थोड़े से एक सवाल था मेरे जहन में, लेकिन उसकी भी जमीनें साथ, उसने उससे कहा कि बदला तो मैं लूंगा, मैं इनकी सारी जमीनें जो इसका जो बाप है मुख्तार शाह ना, मुख्तार शाह की सारी जमीनें बंजर कर दूंगा पाइना देके. तो वो मैनिपुलेट कर रहा था सारा सिस्टम. द राइटिंग इज वेरी गुड, यानी कि एकदम से ऐसे ट्विस्ट आए हैं, चाहे वो सुंबल वाला ट्विस्ट है, चाहे वो नूर बानो और हुनैद के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका ट्विस्ट है. सो द स्टोरी इज मूव्ड रियली वेल एंड कहीं भी आपको फॉर्स्ड नहीं लग रही. ये बड़ा मुश्किल होता है जब आप इतनी जल्दी एक यानी कि ट्रैक चेंज करते हैं, यू नो, बिकॉज अक्सर लगता है कि भाई पता नहीं अब दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिनिश अप इन अ हरी. अभी भी आपको फीलिंग नहीं आ रही कि एक जल्दबाजी में ये इसको वाइंड अप कर रहे हैं, वो फीलिंग आपको नहीं आ रही. दूसरा ये मुझे जो बड़ा अच्छा लग रहा है, एक तो जो सास बहू के बीच में जो सीन्स थे, उनके जुमलाबाजी, नूर जहाँ नूर बानो के बीच जो सीन्स आए हो गए हैं, उनकी जुमलाबाजी, उनके वो जो मोमेंट्स बने हैं वो बड़े अमेजिंग, लवली, क्वाइट, डेडली मोमेंट्स. कोई चीखना चिल्लाना, नथिंग क्रैस, नथिंग चीप, एवरीथिंग वेरी क्लासी बट येट वेरी ख़तरनाक टाइप अंडर करंट, यू नो. एंड ऑफकोर्स मुझे जो चीज़ वो एक चीज़ पॉप आउट की वो ये है कि वो डाइनिंग टेबल जो है ना वो खाली होना शुरू हो गया. यानी कि अब तीन बहुएं नहीं बैठी हुई, वो तीन लड़के और नूरजहां, इट्स कम बैक टू द थ्री बॉयज एंड हर, द गर्ल्स हैव ऑल डिसअपीयर्ड ऑफ द डाइनिंग टेबल राइट. डाइनिंग टेबल जरूर खाली हुई लेकिन मुसीबत उतनी उस टेबल पे हर सुबह होती है. बट दैट वन सीन वेयर इट वाज जस्ट हर एंड द बॉयज, आई वाज लाइक ऑल द गर्ल्स आर मिसिंग ऑन दिस टेबल राइट नाउ, यू नो. तो बड़े वेरी इंटरेस्टिंग टर्न्स एंड ट्विस्ट्स एंड अनप्रेडिक्टेबल, व्हिच इज नाइस बिकॉज आप यू नो थोड़े से जब आप कहानी का आगे बता सके ना खुद तो थोड़ी बोरिंग हो जाती है. लेकिन अभी भी पता नहीं चला. इवन नाउ यू नन ऑफ अस आई थिंक कैन फिगर आउट व्हाट विल हैपन नूर जहां लेट इवेंचुअली. आई डोंट नो. अच्छा मुझे मैं ऐसा पहले नंबर्स देना फिर मैं उस पे आगे 10 मुझे लग रहा था कि जब ये नूर बानो ने इतना बड़ा एक प्लान तैयार किया है और इसने मुराद को अपने पास कर लिया तो एक तीर से दो शिकार कर सकती थी. ये हुनैद को अंदर करवा सकती थी. हुनैद हो भी गया था अंदर. जब ये नूर जहाँ का कहीं पर काम नहीं चल रहा था तो इसे अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए फिर नूर बानो के पास आना पड़ता. तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती थी. हाँ, जो नहीं, उसने तो चीफ मिनिस्टर से बात कर ली थी. नहीं, तो हो जाता. नहीं, ये भी तो पावरफुल है ना. ये भी पावरफुल है ना. देखिए पाकिस्तान अब उसका ईगो है ना, वो तो कभी नहीं आएगी. वो नहीं आएगी लेकिन देखिए फिर थोड़े वो जब आई थी वो सफीना उसके पास आती, वो सफीना कहती कि देखो मेरे हाथ में है कुछ दिन सब्र करने, तो मुझे नूर जहाँ का सर झुकाने दो. नूर जहाँ का सर झुकाने दो. फिर जरा मुझे लगता था यहाँ पे लेके जाएंगे स्टोरी को जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग होता. खाली मुराद को लाना तो वो तो देन मुकरम कहानी कब खत्म होगी. फिर 10 और एपिसोड निकालने पड़ते हैं ना. अभी दैट वाइंडिंग इट अप जल्दी नहीं. मुझे ये था कि मैं ये देखना चाहता था कि उसके पास एक पोजीशन थी, उस पावरफुल पोजीशन में थी जहां पे ये सोप बन जाए. नहीं सोप नहीं. आल्सो 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 रिमेंबर शी इज गॉट गिल्ट. She is married to the younger brother and she's got guilt. For him, by the way. नहीं देखिए I think she's fallen for Murad. I think वो तो है. Murad से उसको love है. हाँ तो वही ना. तो वो खुद भी फंस गई है ना. उसको वो Murad से तो love है लेकिन उसका बाप मरा था. अब उस अपने बाप का बदला लेने के लिए वो इस हद तक तो नाक रगड़वा सकती थी नूरजहां की. उस पोजीशन में थी. वो मुझे लग रहा था वो उससे बड़े जल्दी जाने दिया कि चलें. राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 21,800 हुए हैं और जंजबील आसिम के हिस्से में ड्रामा सीरियल नूर जहां से आए हैं
1847 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं पब्लिक. समथिंग आई हैव नेवर कभी मैं कभी तुम. नो बट दिस इज लेस देन जेंटलमैन है. और वो जब कैमरा गोज आउट थ्रू द बार्स ऑफ द थाना जेल एंड देन द बार्स ऑफ द वाइफ्स बेडरूम विंडो कम्स इन फ्रॉम द बार्स ऑफ द वाइफ्स विंडो राइट. It was such a lovely moment. I don't know if people caught it or not. Like symbolically, ये दोनों अपने वो एक you know अपनी destiny में फंसे हुए हैं. तो symbolism बहुत था इस transition में. I felt, which was really interesting. उसके अलावा I love the scenes between Murad and Noor Bano. Even though they're sulking, fighting, making up, you can feel a certain chemistry. And I think this boy Murad का जो role कर रहे हैं Ali Raza. Has done a very good job. Very good. I really like him. I love his expressions. He comes across as very natural and very real. तो मुझे अली रजा के काम बहुत अच्छा लग रहा है इन एपिसोड्स में. और ओवरऑल सब अच्छे हैं लेकिन ये बिकॉज ही इज़ अ न्यू कमर ना तो उनका ज़रा इट्स नाइस टू सी समबडी कम अप विद सच लवली एक्सप्रेशन एट सच एन अर्ली स्टेज. दुनियापुर आल्सो. हां दुनियापुर भी है. वेरी गुड. ही इज़ वेरी गुड. एंड I had a problem with not only the fact that gunshot wala jo sequence tha, ek masla ye bhi tha ki Kubra ka jo expression tha, bhi goli lagti to aap hilte hain, you know, like you, mera matlab it's a shock. Even if you know ki shayad piche se koi vaar karega. No, but she got actually shot. No, I mean, so that's what I'm saying. Even if you know it, yeah. When you actually shot, your body reacts. Yes. And regardless if you see her expression after the shot, it's like quite flat. Mm-hmm. Yeah. So that I didn't understand because. गोली लगी है चाहे आपने उसको प्लान किया या नहीं किया आपको गोली लगी तो एक आई एक्सपेक्टेड मोर ऑफ अ रिएक्शन वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑड लगा. फिर ऑफ कोर्स रिकवरी बहुत जल्दी थी. अच्छा वो इमीडिएटली अस्पताल से उसी दिन आ गई वापस घर द डिस्चार्ज. अच्छा या तो एक और चीज़ कर लेते हैं ना. हाँ. जैसे अब तो ड्रामा वगैरह में वो मिलते हैं आपका ऐसे ही वो गोली कहीं और चलाता यहाँ पे वैसे होता वो प्रिटेंड करती यू नो ऐसे ये ड्रामा भी हो सकता है. गोली लगी है वो एक्चुअली गोली को बिलीव करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है ना कि इतना एक्यूरेट निशाना किसका होगा कि जो छू के निकल जाए बाजू से लेफ्ट बाजू से. हाँ नहीं तो कहती है ना कि सबसे अच्छा उसका निशाना था तो बट फ्लैश वुंड में इतना नहीं होता. दे शुडंट हैव शोन उसके बाद उसके ऊपर गाना भी चाहिए होगा मेरा निशाना देखे जमाना. भाई साहब देखे जमाना भाई साहब तीर पे तीर चले भाई साहब बच के ना. अच्छा मैं सबसे जैसी बात बताऊं मैं अपने बड़े भाई जो है ना मुझसे उनको भाई साहब कहता हूं. सो आई यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग मेरा निशाना भाई साहब भाई साहब आप देख रहे हैं ना. सॉरी अतीक जी. अच्छा सो जो हमारा जो 30th एपिसोड था उधर मैंने ये भी सोचा हुआ था कि ये गोली चलाई है अटेम्प्ट टू मर्डर है तो वेयर इज द पुलिस. बट 31st एपिसोड में वो क्लियर हो गया द ओपनिंग व्हेन द पुलिस कम्स ऑन देयर बिकॉज़ दैट वाज आवर फर्स्ट रिएक्शन बिकॉज़ यू कांट अ हॉस्पिटल डज नॉट टेक यू अस्पताल आपको हाथ ही लगाता पुलिस केस में. राइटिंग में एक और फ्लॉ था कि वो कहते हैं कि इन्होंने तो नहीं करवाई पुलिस रिपोर्ट. रिपोर्ट करवाने में मुद्दा ही जाता है. आप कंप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा कोई फायरिंग का वाक्या हुआ FIR कटवाने के लिए किसी मुद्दई का होना जरूरी है. अगर मुद्दई नहीं होगा तो पुलिस काटेगी. वो कहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे किसी ने कटवा दी होगी. FIR ऐसे नहीं करती. और उसने घर पे आके कहा कि हम मुजरिम के घर पे आए हैं मुलजिम कहना चाहिए था. बट ये चले वो तो पुलिस वाला गलती कर सकता है. मैं कोई भी अस्पताल ना आपको इलाज नहीं देता जब पुलिस केस होता है तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू था. But I guess they got away. Overall, they're getting away with these little issues. Yeah. Like, they're not. Otherwise, it's an engaging right? story. Yeah, that you just. Otherwise, you just. That's what I'm saying. Into the, जब भाई लड़ रहे हैं, जैसे नादिया ने कहा, और नूर बानो नूर जहाँ एक दूसरे को देख रहे हैं, नूर जहाँ has a realization. Yeah. कि इससे जानबूझ के इससे देखो ये कहाँ तक ले आई है मेरे बेटों को, you know. और जो smile उसके face पे कोबरा, you were like. So I it mean, was fantastic. Too good. So I taking away a number for the shoot wala jo masla hai gunshot wala, I would give Musaddiq a 9. ऑडियंस में चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 21,200 हुए हैं भाई साहब. But otherwise the scenes between her and Noorjahan were very good and जो सीन वो सीन्स मुराद और नूर बानो के हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और अच्छे किए हैं दोनों बच्चों ने. बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने. सो आई थिंक फॉर दीज टू एपिसोड्स आई विल गिव कुबरा 9.
ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में वो 24,600 हुए हैं, और कुबरा खान के हिस्से में ड्रामा सीरियल नूर जहां से आए हैं 2,588, 11% बनते हैं 1.1, यानी कि इनको ज़्यादा नंबर मिले हैं। अब बात कर ली जाए अली रजा की, या अली रजा का ज़्यादा काम था इस दफ़ा, उसका नहीं था नूर का, नूर का था। अली रजा, चले अली रजा। अली रजा का जो फर्स्ट हमने ड्रामा देखा मोहब्बत मेरी, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, गुमशुदा मेरी, उसमें बिल्कुल मुझे भिनोई समझ नहीं आया। आपने तो कुछ उसका ऐसा कुछ रक्षा खींचा था ना कि साली पे नजर है उसकी, लग तो यही रहा था एंड तक मैं इसमें टिकी रही हूँ, लेकिन डायरेक्टर ने ऐसा हमें नहीं दिखाया, लेकिन चाल चलन वैसा था और लुक वैसी थी तो वो मैं कन्फ्यूज ही रही। फिर हमने जुगन वाले ड्रामा में भी देखा था, स्मॉल कैरेक्टर, बहुत स्मॉल कैरेक्टर था। अली रजा अपने करियर में बहुत फास्ट ऊपर जा रहा है माशाल्लाह, वो छोटा सा कैरेक्टर एंड राइट आफ्टर दैट नूरजहां, उससे पहले कोई छोटा सा कैरेक्टर था ड्रामा सीरियल गुना में, गुना में वो नहीं मैंने देखा, उसको रेट ही नहीं किया, जो गुना किया था जुगन काजिम थी, राबिया बट सरमत सबा का उसमें ट्विटर बना, वो भी छोटा सा, वो तो बहुत ही छोटा था ना। मोहब्बत गुमशुदा मेरी में तो फिर विलन था मेन, तो वैसे नॉर्मली ये फार्मूला चलता नहीं हमारे यहाँ, 2 साल आपको आराम से भाई बनाते हैं या सेकंड थर्ड लीड, बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट, बड़े अरसे तक काम चलते हुए बड़े अरसे बाद कोई ऐसा कैरेक्टर आता है जो इतना स्ट्रांग हो, मतलब आपको मेन हीरो ही लगता है मुराद जो है, तो वेरी स्ट्रांग कैरेक्टर, और अब दुनियापुर में भी, तो माशाल्लाह ही इज़ डूइंग रियली वेल।